जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे, आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं बुंदेलखंड के जनपद जालौन की एक ऐसे मंदिर से जिसका इतिहास उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य से जुड़ा हुआ है। जनपद जालौन के पचनद क्षेत्र में स्थित पौराणिक मान्यताओं को संजोई मां करणी माता मंदिर। क्या है मंदिर का इतिहास और क्या है महाराज कर्ण सिंह के रोज सवा मन सोना अपनी प्रजा को देने की कहानी। करणखेड़ा वर्तमान में जालौन जिले की माधोगढ़ तहसील की ग्राम जगम्मनपुर के उत्तर पूर्व में लगभग 3 किलोमीटर दूर में स्थित है। इस करणखेड़ा के उत्तर में लगभग 2 किलोमीटर दूर यमुना की कलकल करती जलधारा बहती है। यह स्थान श्री श्री 1008 बजरंगदास महाराज के स्थान के लिए जाना जाता है। करणखेड़ा का इतिहास देखने से पता चलता है कि क्षेत्र के राजा को राजा कर्ण के नाम से जाना जाता था। यह करणखेड़ा उरई से पश्चिम की ओर 67 किलोमीटर दूर स्थित है। इस क्षेत्र का राजा कर्ण था, जो स्वयं बहुत बड़ा दानी तथा इसी कारण उसे दानवीर की उपाधि से संबोधित किया जाता था तथा उसकी कुलदेवी करणी देवी थी और शायद इसी कारण इस क्षेत्र का नाम उनके नाम पर करणखेड़ा पड़ा। यह राजा कर्ण महाभारत के दानी दुंती पुत्र कर्ण नहीं थे, अपितु सिंगर वंश के थे, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन कहा जाता है। करणखेड़ा में एक बहुत विशाल टीला है, जहां से यमुना का विहंगम दृश्य दिखाई पड़ता है तथा साथ ही साथ किसी बड़े किले की प्राचीर भी दृष्टिगोचर होती है, जो कि उसके अतीत की कहानी कह रही है। राजा कर्ण बहुत बड़े दानी थे और उनके दान की कथाएं यहाँ के जन मानस में बहुत ही लोकप्रिय है। लोग उन्हें बड़े गर्व के साथ सुनते और सुनाते हैं। आइए देखें खास रिपोर्ट देवेश स्वर्णकार के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना देवेश। जनपद जालौन के सीमावर्ती जगम्मनपुर से सटा हुआ कर्ण देवी मंदिर, राजा कर्ण सिंह से जुड़ा हुआ इतिहास और राजा विक्रमादित्य से जुड़ी इसकी कहानी अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है। कर्णी देवी का मंदिर, यहां पर विराजमान मां कर्णी देवी, जिनके बारे में कहा यह जाता है कि राजा कर्ण सिंह थे, वो सवा मन सोना दान करते थे अपनी प्रजा को रोज। और उसके पीछे की कहानी ये थी कि राजा कर्ण सिंह अपने आप को एक कढ़ाई में समर्पित करते थे, खोलते हुए कढ़ाई में समर्पित करते थे, जिसमें कि वो जब अपने आप को समर्पित करते थे तो माँ कर्णी देवी प्रसन्न होती थी और प्रसन्न होने के बाद सवा मन सोना, पहले तो उनको जीवन दान देती थी अमृत से और उसके बाद सवा मन सोना दान में सवा मन सोना उनको देती थी ताकि वो अपनी प्रजा को रोज दान कर सकें। ये वो कढ़ाव के बारे में बताया गया, आज भी अवशेष उसके यहाँ मौजूद हैं। ये कढ़ाव है, हालांकि इसको थोड़ा सा मोटिवेट कराया गया है, लेकिन नीचे का हिस्सा इसमें आज भी वही है। यही वो कढ़ाव है जिसमें कूदकर राजा कर्ण सिंह माँ को अपने आप को समर्पित करते थे और उसके बाद माँ पहले तो उनको अमृतमयी जीवन दान देती थी, उसके बाद माँ सवा मन सोना देती थी जिसको वो प्रतिदिन अपने प्रजा को दान करते थे और उसकी उनकी ख्याति चारों ओर बढ़ी। ऐसी बढ़ी कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, जिनके नाम से संवत चलता है, विक्रम संवत चलता है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने जब इनकी जो है ख्याति सुनी तो उन्होंने इसकी सत्यता परखनी चाहिए। सत्यता परखने को विक्रमादित्य ने अपना एक दूत राजा कर्ण सिंह के यहाँ नौकरी के लिए भेजा। कर्ण सिंह के यहाँ जब वो राजा का दूत नौकरी करने के लिए आया तो कुछ समय बीतने के बाद जब कर्ण सिंह के यहाँ विक्रमादित्य खुद पहुँचे वेश बदल कर और उन्होंने कर्ण सिंह से कहा कि वो मेरा भाई है, हम आप इसको छुट्टी दे दीजिए, ये घर जाना चाहता है, माँ बीमार है। तो कर्ण सिंह बोले भाई इसके एवज में आप किसी को लगा दीजिए तो हम दे देंगे छुट्टी। तो खुद राजा विक्रमादित्य कर्ण सिंह के यहाँ नौकरी पर लगे और उन्होंने उनकी दैनिक दिनचर्या दैनिक क्रियाएं देखी कि किस तरीके से राजा सुबह उठते हैं, दैनिक क्रियाएं करते हैं, खोलते हुए कढ़ाओं में खुद को समर्पित करते हैं, माँ को प्रसन्न करते हैं और अपनी प्रजा के लिए सवा मन सोना दान के लिए प्राप्त करते हैं। कई दिनों तक ये सतत प्रक्रिया वो देखते रहे। उसके बाद एक दिन उन्होंने विक्रमादित्य ने जो है राजा कर्ण सिंह से पहले जगे और विक्रमादित्य को कुछ देर के लिए चिन्ह सुला दिया गया। कैसे सुलाया, ये गुड़ विषय कहते तो ये है कि जोगनी सिद्ध थी उनको और जोगनियों के माध्यम से उन्होंने एक वरदान था कि जिसके ऊपर वो हाथ रख देंगे वो कुछ देर के लिए अपनी चुतबुद्ध खो देता है, ऐसा सुनने में आया था। लेकिन इस बारे में हमारे पास अभी कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जो कहानी है वो यही है
कि विक्रमादित्य ने अपने पूरे शरीर में काजू किशमिश मेवा बादाम मिष्ठान सब कुछ भरने के बाद और कर्ण सिंह की जगह वो स्वयं जाकर उस कढ़ाई में कूदे। माँ प्रकट हुई, उन्होंने जब उनका भक्षण किया तो बड़ा स्वादिष्ट लगा, लेकिन जब उन्होंने अमृतमयी बूंदें जब छीने की तो कर्ण सिंह की जगह कोई और था। माँ चौंकी, माँ ने कहा भाई आप कौन? बोले माँ मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य। बोले बाण हम प्रसन्न हैं आपसे, मांगिए क्या चाहते? तो विक्रमादित्य ने कहा माँ मेरी चार शर्तें, चार मांगे। बोले बताओ चार वर चाहिए, मांगिए। बोले पहला वर तो ये कि रोज रोज राजा कर्ण सिंह जो अपने आप को समर्पित करते हैं, अपनी प्राणों को दांव पर लगाते हैं, उनसे उन्हें मुक्ति मिले, उनके सिरहाने रोज सवा मन सोना वैसे ही रखा हुआ मिले ताकि वो अपनी प्रजा को दान कर सके। माँ बोली एवं वस्तु। उसके बाद फिर बोले दूसरा वरदान। बोले दूसरा वरदान ये है कि माँ आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। माँ बोली ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं कर्ण सिंह के यहाँ, मेरा नाम भी कर्णी देवी इसीलिए रखा गया, मैं कैसे जा सकती हूँ? बोले माँ आपको चलना पड़ेगा। दूसरी शर्त पूरी हुई। तीसरी शर्त, बोले तीसरी शर्त में आपको चार चीज़ें यहाँ से लेकर चलना पड़ेगा, हर सिद्धि, अमृत, आप और अमृतमयी कलश, ये चार चीज़ें वहाँ लेके चलना पड़ेगी। माने उसके बाद फिर तब कुछ देर बाद जब कर्ण सिंह को होश आया तो कर्ण सिंह जब वहाँ देखा तो कुछ नहीं था, कर्ण सिंह एकदम व्यथित हुए। बोले आप कौन? तो कर्ण सिंह के पास जब राजा विक्रमादित्य पहुँचे तो राजा विक्रमादित्य को उन्होंने कहा कि आप, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य, यानी कि राजा विक्रमादित्य ने जब सारा वृत्तांत बताया तो कर्ण सिंह रोने लगे। अब कैसे होगा? कर्ण सिंह ने माँ कर्णी देवी के पैर पकड़ लिए कि माँ मैं आपको जाने नहीं। अब चूंकि माँ वचनबद्ध थी लिहाजा माँ की मूर्ति के दो हिस्से हुए, माँ की मूर्ति का अग्रभाग यानी ऊपर का भाग जो है वो उज्जैन में आज भी विराजमान है और माँ के चरणों के भाग यानी जो चरण है वो आज भी इस मंदिर में विराजमान है, यानी कि कर्णी देवी के मंदिर के इतिहास से जुड़ी ये कहानी आज भी जीवंत है। यहाँ के पुजारी जी लला बाबा से जब हमने बात की तो उन्होंने माँ की कहानी के वृत्तांत से बारे में हमारे साथ बातचीत की और बताया कि कर्णी देवी का इतिहास कितना अच्छा। जी आज सब चले गए, देखो ने गया था ठीक है, सुबह तो चले गए तो कुल दिन होएगा भी नहीं आए के लिए। राजा विक्रमादित्य देखा राहु कि बोले अच्छा जो अमृत मिल जाए तो ब्राह्मणी जीवित हो जाए, मिले कैसे? ऐसे तो मिल नहीं सका सारण, जैसे जी राजा बोला था तो हम बोले, फिर देवी ने जीवित करे तो हम जीवित कर दें। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने जिनमें बाजार का अलावा मेवा मिष्ठान मंगाया के धल लाई, जब रात्रि बीती और राजा करण चारपाई दस हुई सोम लगे सोई शक्तियाँ बैठा ली में चौने, बोले जब लो ना हिला दीजिए जब लो हम पूरा काम न कर लें, पूरी रात मेवा मिष्ठान भर रहा, जब घंटा बजे पहलो 230 पर राजा बकरण तक टूट गया। जब देवी ने माँ जरा भरी देवी फिर जो बने जोगनी पिशाजनी को फान करो तो फामे आनंद जहाँ मारो हमें राजा करण विक्रमादित्य थाली सो, देवी भड़बड़ा जा रही राजन बहुत कष्ट तुमने दाओ, हम प्रसन्न वरदान मांग ले, फिर राजा रहे देव बोल देगा। बोले माँ तो पहलो वरदान जो ये है कि आज से कढ़ाओ लौट जाओ जाए, अब राजा करण जा में कूद है नहीं, जब लोग जीवित रहे तब तक बाकी चार पाई तरह से अवमान सोनो मिले जाइए। तीसरे वरदान में कही माँ हमें अमृत चाहिए उनने की ठीक। चौथे वरदान में माँ हमारे संग चलने उनने की हम राजा करण बोले तिरवाचार बोले ठीक है चल है। देवी लुप्त भाई विक्रमादित्य अलग भाई जहाँ शक्तियाँ हटाएं तो जब राजा करण जगे तो बहुत टाइम होगा, तो राजा करण की जय हो दानी की जय हो, कढ़ाओ लटो होश गुम हो गए का भाव का नहीं भाव, तब विक्रमादित्य आए हाथ जोड़े बोले महाराज चिंता का है कारण चारपाई तरह देखो, जब चारपाई तरह देखो आप कौन है? बोले महाराज आपको आप नहीं भूलने हम उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है। देवी प्रकट होगी बोले राजा दो बराबर हैं। बोले राजा विक्रमादित्य से बोले कि हम तो जा रहे हैं उज्जैन, हम तिरवा जा रहे। बोले माँ हमसे आ रहे तो इनने चरण पकड़ लाए तो चरण यहाँ रह गए, ऊपर को हिस्सा उज्जैन गाओ, यहाँ से चार चीज़ें ले गए, हर सिद्धि देवी नाम से करण देवी गई, गढ़काल का और काल भैरव और अमृत चार चीज़ें वहाँ गई, फिर उनने हड्डी पसमियाँ उनकी इकट्ठी करी राख, यहाँ अमृत मारो ब्राह्मणी जीवित होंगे, ब्राह्मणी ब्राह्मण को दें और अपन अपने राज करने लगे। उस समय विक्रमादित्य जब विक्रमादित्य यहाँ आए तब राज चलत हो और फिर ताकि बाद जब कोई नहीं रहो तो यहाँ कोई भी आओ तो सुबह से दिन भर रहो सब संजा के ऐसे कर दे तो भाई भोजन भर को पैसे मिल जाते। अब प्रमाण है जब से महाराज जी और हम लोग हैं तो खूब शादी संजा लो रहो भाई भोजन भर पेट में। जालान मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।
ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।